हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के अर्ली क्लासेस में स्वागत है। मैं हूँ दिलीप यादव। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस के कटाव के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो 27-28 जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हुए परीक्षा, तो दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड कटाव के बारे में आपको बताएंगे कि कितना कटाव जा सकता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे कि जनवरी 2018 में 41,520 वैकेंसियाँ पुलिस की आई थी, जिसमें जनरल का 225 मार्क्स कटाव गया था, ओबीसी का 217 मार्क्स कटाव गया था, एससी का 187 मार्क्स, एसटी का गया था 153 मार्क्स। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने पर 10 से 15 मार्क्स हर एक कैटेगरी का कम हो गया था। दोस्तों इस बार दोस्तों मेरिट का भी कम जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग 8 दिसंबर तक दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, 8 दिसंबर तक दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप लोग को 27-28 जनवरी को हुआ, तो 40 से 50 दिन आप लोग को टाइम मिला है प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों आपके पास काफी कम समय था प्रिपरेशन करने के लिए, और जो सिलेबस था काफी अधिक था, हिंदी, जीके एंड जीएस, मैथ और रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों काफी अधिक था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया था कि 150 पर्सन होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होगा। नोटिफिकेशन में दोस्तों आया था कि हिंदी से 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे, जीके एंड जीएस से 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे, एंड मैथ के 37 से 38 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ऐसा पेपर बना दिया इस साल कि रीजनिंग का दोस्तों काफी अधिक क्वेश्चन पूछा था, 40 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग का हर एक शिफ्ट में पूछा था। दोस्तों तो रीजनिंग में ही होता है नॉर्मलाइजेशन, और रीजनिंग काफी हार्ड आया था दोस्तों, तो उसमें कम नंबर जाने की आशा है कि ना रीजनिंग बहुत कम स्टूडेंट किए हैं, और जीके एंड जीएस मैथ का क्वेश्चन काफी आसान आए थे दोस्तों, तो मेरिट काफी कम जाने वाला है। दोस्तों हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि 300 नंबर, एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का था, हिंदी थे, जीके एंड जीएस था, रीजनिंग और दोस्तों मैथ के दोस्तों क्वेश्चन थे। तो दोस्तों 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी से, 37 से 38 क्वेश्चन जीके एंड 37 से 38 क्वेश्चन रीजनिंग आए थे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कटाव कितना जाएगा जनरल का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का। तो दोस्तों पहले हम मेल की बात करते हैं कि कितना कटाव जाएगा, जो मेल कैंडिडेट है कि इनका कटाव, जो हम दोस्तों हम जो कटाव बता रहे हैं, अगर जो आपके इतना कटाव आ रहा है, जो हम एक्सपेक्टेड कटाव, अगर जो इतना कटाव आपका आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग फिजिकल की तैयारी एकदम जोरों शोर से कर रहे, क्योंकि फिजिकल काफी हार्ड होने वाला है। दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि पिछली वैकेंसियों में फिजिकल में बहुत से स्टूडेंट दौड़ नहीं निकाल पाए थे, तो उनका रिजेक्ट हो गया था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट में जनरल का कितना कटाव जा सकता है। जनरल का कटाव दोस्तों 190 से 205 मार्क्स जा सकता है, 205 मार्क्स। ओबीसी का दोस्तों 180 से 195 मार्क्स जा सकता है। एससी का दोस्तों 160 से 170 मार्क जा सकता है। एसटी का 150 से 160 मार्क्स जा सकता है। ये दोस्तों मार्क्स कितने का मेरिट इसलिए कम बन रहा है कि दोस्तों आप लोग को प्रिपरेशन करने का काफी कम समय मिला था, तो आप लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन तो हल नहीं कर पाते, अधिक पढ़ने का आपको मौका नहीं मिला, तो आप लोग कैसे साल अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरल का 190 से 205 मार्क्स, जिन स्टूडेंटों का 190 से 205 जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो लोग फिजिकल की तैयारी एकदम जोरों शोर पे कर सकते हैं दोस्तों। और ओबीसी का जो जिनका 180 से 195 मार्क्स के बीच में आ रहा है दोस्तों, तो वो लोग भी दौड़ अपना शुरू कर दें। एससी का 160 से 170 के बीच में आ रहा है, तो दोस्तों वे लोग भी दौड़ शुरू कर सकते हैं। एसटी का 150 से 160 मार्क आ रहा है, तो वे लोग भी दौड़ शुरू कर सकते हैं दोस्तों।
इतना मेरिट कम जाने का कारण क्या है दोस्तों? प्रिपरेशन आप लोगों को काफी कम मौका मिला है पढ़ने का। तो दोस्तों 40 से 50 दिन में आप लोग कितना पढ़ लेंगे? सिलेबस काफी अधिक था, आप हिंदी पढ़ते तो उसको 40 से 50 दिन आपको लग जाता। मैथ मैथ का तो बात ही छोड़ दीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक टाइम लगेगा। दोस्तों हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट जनरल का दोस्तों 170 से 185 मार्क्स जा सकता है, 185 मार्क्स। ओबीसी का 150 से 170 मार्क्स जा सकता है। एससी का दोस्तों 140 से 155 मार्क्स जा सकता है। एसटी का दोस्तों 130 से 142 मार्क जा सकता है। दोस्तों जनरल फीमेल कैंडिडेट का जनरल में 170 से 185 मार्क जा सकता है, ओबीसी का 150 से 170 मार्क जा सकता है, एससी का 140 से 150 मार्क जा सकता है, एसटी का 130 से 142 मार्क जा सकता है। जिन महिला कैंडिडेटों का अगर जो हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, अगर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर जो आंसर किया गया है आप लोग मिला लीजिए, अगर जो इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो ये जो महिला कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं इतना आ रहा है नंबर, तो वो लोग दौड़ शुरू कर सकती हैं। इससे अधिक दोस्तों नहीं हो, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि काफी कम समय में आप लोग को फॉर्म अप्लाई किए थे, तो काफी कम समय मिला था आप लोग को प्रिपरेशन करने का। तो दोस्तों हम लोग बात करें नॉर्मलाइजेशन होने पर दोस्तों 8 से 10 नंबर, 15 से 20 नंबर अलग अलग कैटेगरी में कम हो गए थे। अभी पिछली वैकेंसी में यूपी पुलिस के पिछले वैकेंसी जो जनवरी माह में आए थे 21,520 पद थे। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, तो जनरल का 15 से 20 मार्क नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, 15 से 20 मार्क्स। ओबीसी का दोस्तों 20 से 23 मार्क्स हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। एससी का 10 से 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। एसटी का ये भी 10 से 15 मार्क्स हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा दोस्तों अधिक, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे अधिक आए थे। यूपी पुलिस 27-28 जनवरी के जो पेपर हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे काफी अधिक आए थे। तो जो होता है नॉर्मलाइजेशन जो होता है दोस्तों वो रीजनिंग में ही होता है, क्योंकि उसके आंकड़े काफी मैच नहीं करते हैं, तो रीजनिंग में ही नॉर्मलाइजेशन। मैथ और हिंदी जीके एंड जीएस के जो आंकड़े होते हैं वो क्लियर होते हैं दोस्तों, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जनरल में 15 से 20 मार्क्स कम हो सकता है, जो हमने एक्सपेक्टेड कटऑफ आपको वीडियो में बताया है इससे अधिक नहीं होगा दोस्तों। अगर नॉर्मलाइजेशन करने पर आपका 15-20 मार्क्स जो हमने बताया उससे कम हो रहे हैं, तो आपका आप भी एकदम दौड़ की शुरुआत कर सकते हैं। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों मेल कैंडिडेट का। ओबीसी का 20 से 23 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हो सकता है दोस्तों। एससी का 10 से 15 मार्क्स होगा नॉर्मलाइजेशन। एसटी का भी 10 से 15 मार्क नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। अगर जो हमने बताया है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, चाहे फीमेल हुआ या मेल कैंडिडेट का, अगर जो हमने जो कट बताया है कट ऑफ यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा दोस्तों, इससे अधिक नहीं हो सकता। अगर जो आपका दोस्तों जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है कि हम इतना होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि दोस्तों हमारा इतना नंबर है क्या हो जाएगा, तो हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। दोस्तों जो हमने ना बताया है कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों इससे अधिक नहीं हो सकता, ये पक्का है इतना ही होगा, क्योंकि आप लोग को प्रिपरेशन करने का काफी कम टाइम मिला है। 40 से 50 दिन आप लोग को प्रिपरेशन करना, सिलेबस काफी बड़ा था दोस्तों। जीके एंड जीएस का तो कभी खत्म नहीं होता है, कहाँ से पढ़े, कहाँ उसका शुरुआत होता है, कहाँ खत्म होता है। और रीजनिंग में 40 से 50 दिन में कोर्स है, इतना छोटा कोर्स है नहीं कि 40 से 50 दिन में खत्म हो जाएगा। और हिंदी का तो दोस्तों बात ही छोड़ दीजिए, उसमें बहुत से स्टूडेंट है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हिंदी में दोस्तों। और रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, उसमें तो ना
उसमें काफी अधिक क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी 40 से 50 दिन में कोर्स खत्म होने वाला तो है नहीं कि 40 से 50 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो हमने बताया एक्सपेक्टेड कटऑफ, आप लोग कटऑफ पे ध्यान दीजिए, अगर जो आपके इतना आंसर किया गया है वेबसाइट पर उपलब्ध है सरकारी रिजल्ट पर, तो दोस्तों आप लोग अगर जो आप लोग का इतना कटऑफ जो हमने बताया आ गया है आपका आंसर की मिलाने के बाद, तो आप लोग एकदम दौड़ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर जो हम लोग को जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट अन्य चाहे जो सरकारी नौकरी हुए, चाहे ग्रुप डी का आंसर, ग्रुप डी का हुआ, एएलपी का हुआ, चाहे और भी जितने भी सरकारी वैकेंसी हैं उसके बारे में हमको कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगा दोस्तों, तो हम लोग को आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखने के लिए आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय।